एक ऊपर से बिल्कुल लगाया गया है, ठीक है। तो एलपति के काम में, एलपति काम सिर्फ यही आता है कि उसको जो जितना सेलिंग डाउन करते हैं उसी हिसाब से इसको एलपति को लगाते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा ही डाउन किया गया है, इससे भी ज़्यादा डाउन है, आप देख सकते हो इतना फ़र्क है, 5 इंची 4 इंची का फ़र्क है ये, तो इससे ज़्यादा इसको डाउन किया गया है, ठीक है। तो एलपति जितना डाउन करना है उतना बड़ा एलपति आप लोगों को कटिंग करना है और इसको लगाना है, ठीक है। दूसरा नंबर आया आपका बात जो ये है फास्टनर। फास्टनर देखिए बिल्कुल ज़्यादा इसको कस दिया हम लोग, और ज़्यादा ही कसना पड़ता है इसको, और नहीं कसेंगे तो इसी के ऊपर पूरा जो सारा लोड है इसके ऊपर आता है, जितना लोड आएगा सब मेन के ऊपर और ये फास्टनर के ऊपर आता है। और ये रहा क्रास, आप देख सकते हो जो लेबल किए थे हम लोग, आपको दिखाए हैं लेबल करके, तो लेबल किए तो इसी के ऊपर एक क्रास जो है लगाया, लेबल करके इसमें सूता लगा के क्रास लगाया। क्रास का काम ये है कि सिर्फ ये जब जाली वाली इसी के ऊपर लगता है, क्रास के ऊपर लगता है, ठीक है। और ये क्रास लगता है मेन के ऊपर, देख सकते हैं मेन के ऊपर एक क्रास लगा है, और इसके ऊपर से जो है आपका धार बनता है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अंदर से भी एक क्रास जो भरेंगे हम लोग, तो उसको भी भराई के लिए हम लोग क्रास जो है कटिंग कर दिए हैं, देख लीजिए, और इसको सिर्फ इसके अंदर भरना है। और इधर से भी धार बनेगा इसके, जैसे कि आपको हम बता दें ये जो मेन इधर से मेन के इधर से धार बनेगा, फिर इधर से भी धार इधर बनेगा, और इसका धार फिर ऊपर से आएगा, ठीक है। यानी इधर से कॉम्प्लेट आएगा, इस साइड से कॉम्प्लेट, इस साइड से भी कॉम्प्लेट, और फिर इसके कॉम्प्लेट आएगा। देखिए इस साइड से भरो, इस साइड इधर से भरते जाओ, इधर से टाइम टाइम ये देख लीजिए, इस क्रास को घोड़ी बनाना है, और घोड़ी बना के इसको इसमें भरेंगे, देख लीजिए क्रास जो भराई कर रहे हैं अंदर से, जैसे मैं आपको बताया था। चलिए इसको करते हैं पूरा भराई, और उसके बाद से आप लोग को हम दिखाते हैं भराई हो जाते हैं। तो ये है पूरा फॉल्स सीलिंग का कंप्लीट फ्रेमिंग, ये पूरा कंप्लीट फ्रेमिंग है। और ये जो बिक्की भाई है, ये लाइट देखिए, पहले जो लाइट का निशान लगा रहे हैं वहां पे देख लीजिए, लाइट के निशान लगाने से एक बेनिफिट होता है कि आपको लाइट काटते समय छतों में आपका क्रास ना बीच में आ जाए, इसलिए पहले आप लाइट का निशान लगा लीजिएगा। ये देख लीजिए इधर बिक्की भाई जो है निशान लगा रहे हैं, ये आ गया, यहाँ पर लाइट लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कंप्लीट फ्रेमिंग आप लोगों को हम दिखाया, और ये दीवार वाला भी डिजाइन है जो बनेगा इसका, वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और बिक्की भाई को कमेंट करके जरूर बताना कि भाई कैसा काम किया है।